गुड मॉर्निंग गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग। मैं हूं सुनील विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं इसके ब्लॉग्स फार्मिंग लाइफ। तो गाइस, सीन कुछ ऐसा है कि आज बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है और उसे फटाफट हमें सुलझाना होगा, नहीं तो बहुत ही ज़्यादा समस्या प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगी। तो गाइस, प्रॉब्लम क्या है वो बताऊँगा आपको, लेकिन ब्लॉग को आगे बढ़ाने से पहले अगर आप चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि मेरे सारे नोटिफिकेशन आपके पास सबसे जल्दी पहुंचे। तो गाइस, चलिए ब्लॉग को पूरा देखिए, हम आपको बताएंगे क्या प्रॉब्लम आ गई है और कैसे उससे निपटना है। तो चलिए ब्लॉग को बढ़ाते हैं आगे। हाँ तो गाइस, सीन कुछ ऐसा है कि प्रॉब्लम बहुत बड़ी है और उसे फटाफट सॉल्व भी करना होगा, नहीं तो मैंने जैसा आपको शुरू में बताया बहुत समस्या क्रिएट हो जाएगी। और एडिटर साहब लग गए काम पे, हम भी लगते हैं, अब आपको बताएंगे क्या प्रॉब्लम है। देखिए, मोटर जल गई भैया, मोटर जल गई है, सिंचाई कैसे करेंगे अब। सबसे बड़ी समस्या तो ये है, अब जल गई है तो इसे निकालना है, तो उसकी प्रोसेस चालू करते हैं फटाफट से, नहीं तो अभी गाइस वाटर लेवल काफ़ी नीचे जा रहा है तो उसकी वजह से हमें वैसे ही प्रॉब्लम बहुत आ रही थी और इसमें हमारी मोटर जल गई। अब इसके लिए हमें इसे बाहर निकालना पड़ेगा। तो चलिए चलते हैं, काम शुरू करते हैं फटाफट, नहीं तो बहुत ये हमारे गेहूं सूख जाएंगे बहुत जल्दी। ओके, लोग को आगे बढ़ाते हैं। हाँ तो गाइस, सीन कुछ ऐसा है कि आप देख सकते हैं इतना हम खोद चुके हैं, अभी आपने देखा कैसे क्या किया हमने। तो गाइस, मोटर जल गई है तो इसे बाहर निकालना पड़ेगा। अभी ये 200-250 फीट अंदर है, इसमें केसिंग होता है जो आसपास से मिट्टी को धंसने से रोकता है, मैं अभी इसे क्लियर करके बताऊँगा। और अभी इसमें हमने ये बरसाती लगा के रखी थी क्योंकि इसमें अंदर ये मिट्टी वगैरह गिर जाती है, छोटा जैसे एक केबल होती है ना, ये केबल अंदर जाती है, वो एक छेद रहता है, ऊपर ढक्कन तो लगा रहता है लेकिन उस छेद में से मिट्टी गिर जाती है, इसलिए ये लगा के रखते हैं। हमने थोड़ा इसे अंदर दबा के रखा है, ये ऐसे जाके पाइपलाइन अंदर वहाँ पर घर के पास गई है। तो गाइस, अभी हमें ये थोड़ा सा क्लियर करना पड़ेगा इसे, और क्लियर करके हम प्रोसेस करते हैं। तो गाइस, हाँ तो गाइस, पापा और हमारे एडिटर साहब अंबानी जी, अरे अंबानी जी क्या, एडिटर साहब है हमारे छोटू है दोनों। अब एडिटर साहब घर से ट्रैक्टर लेकर आएंगे और यहाँ से ट्रायली, हमारे ट्रायली यहीं पे है, ट्रायली यहाँ से लेकर घोड़ी लेने जाएंगे। तो गाइस, घोड़ी ऐसा है, कुछ ऐसा यंत्र है जिससे हमारी मोटर को हम बाहर खींच सकते हैं मैन्युअली, हाथों से घुमा घुमा कर। तो गाइस, घोड़ी ऐसी होती है, ये देख सकते हैं, ये ट्राइपॉड एकदम ऐसी। तो गाइस, मैं इसकी पन्नी वगैरह निकाल देता हूँ और इसको बाहर लाते हैं फटाफट से। तो मैं जब तक बाहर लाता हूँ तब तक हमारे जो वो लेके आता है घोड़ी, तो चलिए फिर वहीं पे बताऊँगा कैसी होती है घोड़ी। तो चलिए व्लॉग को आगे बढ़ाते हैं।
हाँ तो गाइस सीन कुछ ऐसा है कि इससे यही है वो यंत्र जिसे बोलते हैं घोड़ी। हमें ये नहीं पता एग्जैक्टली, मुझे नहीं पता है, शायद पापा को होगा पता कि इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, मतलब क्या है ये यंत्र, या फिर आप बताइए मुझे कमेंट बॉक्स में। तो गाइस ये जो चेन है, ये जैसा मैंने बताया था आपको, ये जो चेन देख रहे हैं आप, ये चेन वहाँ से यहाँ आती है, ये यहाँ से मतलब यहाँ से जाती है ये ऐसे करके ऐसे। तो गाइस ये इसको ऊपर खींचने का काम करती है, क्योंकि हमारी जो मोटर होती है इसमें टंगी हुई, उसमें काफ़ी ज़्यादा वजन होता है, और पाइपलाइन करके सिंगल ऐसे ही हाथ से निकाल नहीं सकते इसको, इसलिए ये यंत्र लगाया जाता है। ठीक है, मैंने ये सब बता दिया। और इन सब में ये जो पाना है स्पेशल, ये इसकी बहुत ज़रूरत होती है, ये ऐसे दो पाने की ज़रूरत होती है, और कुछ औजार ये वाले। तो गाइस चलिए चलते हैं, काम करते हैं कामकाज, और हम आपको बताएंगे कैसे क्या करेंगे सारा कुछ वहीं से, ट्राइपॉड पे स्मार्टफोन रख के, ताकि आप सबको मालूम पड़े कैसे क्या इसका प्रोसेस चलेगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। हाँ तो गाइस सीन कुछ ऐसा है कि मैं यहाँ पर सारी पाइपलाइन ला ला कर जमा रहा हूँ, अभी हो गई 6, और पापा कह रहे थे, हाँ पापा कह रहे थे कि शायद 12 लाइन है सारी, तो उनको और निकाल रहे हैं धीरे धीरे पापा, और एडिटर साहब कर रहे हैं नीचे पाना वगैरह का काम, और मैं लेकर आ रहा हूँ यहाँ पर। और अभी मुझे जस्ट भैंस को पानी बताना है अभी, क्योंकि 2 बज गए, इसलिए चलो चलते हैं और पानी वगैरह का काम करते हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं मेरे हाथ कैसे हो गए। गाइस ये जंग है, मतलब जंग से मेरे हाथ पूरे, मतलब पूरे भर गए हैं। तो मैं अभी चलता हूँ, अभी इनको धोकर सबसे पहले पानी वगैरह करता हूँ, क्योंकि 2 बज गए यार, भैंस को पानी बताना भी ज़रूरी है, जब तक वो अपना जो भी बाकी की 5-6 लाइन है थोड़ी बहुत, जब तक मैं पानी वगैरह करता हूँ इनको, तब तक करेंगे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं, भैंस को पानी बताते हैं, उसके बाद वापस मैं वहाँ पर जाऊँगा और अपना काम कंटिन्यू करूँगा। तो चलिए चलते हैं।
दिया कॉल आनी हाँ तो गाइस अब कुछ ऐसा सीन है कि हमने मोटर को निकाल लिया है। गाइस देखिए ये होती है जल मोटर, इसे बोलते हैं। ये पानी को ऊपर वैक्यूम करती है, खींचती है और हम सिंचाई करते हैं। ये देखिए एक पाइपलाइन फ्री है, मतलब इसमें ही अटैच है और 10 में ट्रैक्टर ट्रायली में रख के आया हूँ वहाँ पर, ये यहाँ पर। तो गाइस ऐसा कुछ है और हमने जो हमारा होल वगैरह है उसको कर दिया है पैक और अब हम मैकेनिक को बुलाएंगे और वो मैकेनिक हमारे रिश्तेदार है, मेरे ससुर जी है छायन मैना से, जो इसे ठीक करेंगे। तो वो उनको फ़ोन लगा दिया पापा ने, अब आएंगे वो और इसको हम बताएंगे क्या जला है इसमें, कैसा क्या हुआ है। तो चलिए चलते हैं, सारी पाइपलाइन ले गए हैं यहाँ से। अब जो भी यहाँ देख सकते हैं सारा बचा कुचा सामान ले गए हैं। एक केबल है, केबल इसके साथ जाएगी मोटर के, और मैं ये गेती पावड़ा लेकर चलता हूँ, अपना ट्राइपॉड भी रख लूँगा। तो चलिए चलते हैं काम काज करते हैं। मिशू क्या कर रहे तू? तो गाइस देखिए ये हमारी छोटी सी नन्ही परी, ये किसी की भी नहीं सुनती है। पानी देखो, पानी के साथ देखो नठुई कहीं करे या ऐसे करे या कहीं बताओ तो नहीं। चल चला मम्मी घर, चलो चलो आ जा, चलो देख अल्लू गई और बाप रे और ऐसी अल्लू गई अल्लू का ठीक हो रहा जो चलो चलो अरे बाप रे। गाइस नहीं सुने या कोई की भी? हाँ उदारी दी मैं भी चुचुन के नहीं लाई तू कहाँ है चुचुन तो घरे घरे कहीं करे वा खेले खेले कहीं ले यहाँ रह जा तू है ने वो देख वाकई कर रहा टिड्डी वा ये बैठी हुई गाइस जल गई मोटर और काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं उसको निकालने के लिए, आपने देखा ही होगा वीडियो में अभी। तो गाइस मिशिका भी काम कर रही है, देखिए उल्टे उल्टे काम। तो बताइए आपको आज का वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए चलते हैं, वीडियो को द एंड करते हैं, अभी के लिए बस इतना ही। मिशू कर दे बाय, कर दे बाय। हाँ तो गाइस इसका तो काम चलता रहेगा, ये झाड़ी से खेलती रहती है। तो चलिए बाय।